पेट्रोल डीजल की बेहताशा बढ़ती कीमतों से महंगाई चरम पर पहुंच रही है। हमीरपुर में पिछले कुछ दिनों से सब्जी के रेट में भी इजाफा हुआ है तो बाजारों में महंगी सब्जी बिक रही है। बाजारों में सब्जी विक्रेता और फल विक्रेताओं के पास भी बहुत कम ग्राहक पहुंच रहे हैं, क्योंकि रेट बढ़ने से लोग भी सब्जी फल खरीदने में परहेज कर रहे हैं। सब्जी मंडी दुसड़का में भी सब्जी ज्यादा नहीं बिकने से ढेर देखे जा सकते हैं। सब्जी मंडी में थोक विक्रेता अंकित चोपड़ा का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने से सब्जी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर जल्द कीमतों पर लगाम नहीं लगाया गया तो सब्जी फल और महंगा होगा। उन्होंने मांग की है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को घटाया जाए। पेट्रोल कीमतें बढ़ जाने के कारण जो गाड़ी पहले हमारी 7-8 हज़ार पंजाब से आती थी, आज वो 12-14 हज़ार में आ रही है, जिससे महंगाई और बढ़ रही है। रुपये 2 रुपये जो और महंगाई की तरफ बढ़ रहे हैं और मार्केट में घाट नहीं है, इस करके भारी नुकसान हो रहा है। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें कम से कम बराबर आ जाएँ तब व्यापार चलेगा, नहीं तो व्यापार खत्म है रोज से रोज। सब्जी लेने पहुंचे कुलदीप चंद ने बताया कि पेट्रोल डीजल के कम रेट होने चाहिए ताकि सब्जियों के दाम घट जाएं। उन्होंने कहा कि वैसे भी लॉकडाउन के बाद बाजारों का बुरा हाल है और लोग बाजारों में नहीं पहुंच रहे हैं। गरीब आदमी को काफी फर्क पड़ गया और जो यानी के घर सब्जी तैयार करा है सारे कहने बाजार है तो कोई आज ने राजी नहीं है। सब्जी मंडी भी कौर उड़ा दे कोई नहीं है। गाड़ी का खर्चा अलग पड़ रहा है, को कैसे आ रहा है, को कैसे आ रहा है बेचारा। क्या डिमांड क्या करते हैं? डिमांड ये तेल जो है, डीजल और तेल जो बिल्कुल कम रेट होना चाहिए ताकि सब आ सके, मजबूरी में आ सके, कोर्ट में जा सके या हॉस्पिटल में जा सके। कोई मजबूरी में तो आना है, गरीब आदमी ने बहुत परेशान है। क्या नाम है?